वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना है और आज सोमवार है, तो मैं और मेरे दोस्त आज जा रहे हैं शिव मंदिर, जो कि हरियाणा के पंचकुला में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप बने रहिए और मेरा एक दोस्त आप पीछे देख सकते हैं कि मेरा दोस्त एक अभी बैठा हुआ है। कुछ देर में हम सब रेडी होकर जाएंगे मंदिर। तो क्या रेडी है ना मंदिर के लिए? इसको आपने है ना टेरेस गार्डन, बल्ले को आपने टेरेस गार्डन में देखा होगा। नहीं देखे होंगे तो आप बिल्कुल क्लिक करिए जाके और टेरेस गार्डन में इसका देखिए क्या क्या बोलते हैं। चलिए बंदर। हरा हरा शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु शंभु शिव महादेव। तो गाइस हम सब जा रहे हैं आज बाबा धाम शिव मंदिर जा रहे हैं। मेरे दोस्त आप सब पीछे देख सकते हैं कितने सारे एक साथ जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज सोमवार है, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे दोस्त हम सब जा रहे हैं आज मंदिर, क्योंकि भगवान बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सबको। देखिए आप देख सकते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं हम सब और कुछ देर में मंदिर पहुंचेंगे और आज आशीर्वाद लेंगे आप सबके लिए भी। आप देखते रहिए, बने रहिए। गाइस हम सब ऑटो से उतर चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर का मुख्य द्वार है और यह पंचकुला के सकतेरी में है और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको चंडीगढ़ से यहाँ पे आने में 8 किलोमीटर का दूरी है, ज़्यादा नहीं है। ऑटो से बस 20 रुपये का बस है, तो आप आराम से पहुँच सकते हो और यहाँ पे मंदिर में आके यहाँ पे दर्शन करके अपना बाबा जी का दर्शन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में, बाबा जी का दर्शन करते हैं। भीड़ भी बहुत है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए गाइस। तो गाइज हम सब सीढ़ी से ऊपर चढ़ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैप दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं या फिर श्रद्धालु आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सकतेरी शिव मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन है, जिसमें हम सब आए हैं। बगल में ही यहाँ से 5 किलोमीटर दूर माता मनसा देवी मंदिर है और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। भीम देवी मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है। तो आप ये मैप से है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फॉलो कर सकते हैं। चलते गाइस आगे। तो गाइस हम लोग मंदिर के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं और यहां से है ना आपको आगे जाके मंदिर में है ना दिखाएंगे। और देखने से काफ़ी प्राचीन लग रहा है और आज सोमवार है, तो आज बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आप बने रहिए और साथ में देखिए कि कितने सारे श्रद्धा से जितने भी लोग आए हुए हैं उन सब के साथ हम सब भी यहाँ पर श्रद्धापूर्वक है ना पूजा करेंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना प्राचीन मंदिर है और कितना प्यारा और यहाँ पे पूजा करने के लिए लोग आए हैं। देखिए तो उधर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो सारा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। मंदिर देख करके लगा, कैसा लगा है आकार देख करके? मंदिर तो बहुत प्राचीन है और यहाँ पे जितने भी है ना व्यवस्था बहुत अच्छा है यार। मतलब आनंद का जो बोलूँ ना व्यवस्था यहाँ पे, जो भी श्रद्धा दूर दूर से आ रहे हैं हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ यूपी दिल्ली से, उन सब के लिए पार्किंग के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं और काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड भी है। आनंद है तो अभी तो ये भाई स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अंदर चलते हैं। जैसा मुझे बाहर से सुनने को मिला कि बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है, तो अभी अंदर चलते हैं। रास्ते में लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि मंदिर बहुत ही काफ़ी है।
देख सकते हैं गाइस, जस्ट ये पीछे मंदिर है और इधर बाबा के दरबार में अंदर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। पीछे देखिए कितने सारे, आपको दिखाता हूँ मैं क्लोज वे में। लाइन छोटा मोटा नहीं, बहुत दूर, बहुत दूर से बाहरी परिसर से मैं बाहर ले जाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं जल चढ़ाने के लिए अंदर बाबा के लिए लाइन में लगे हुए हैं। दिखाता हूँ आपको ये कितना लंबा लाइन है, बाहर से वो लाइन है, मैं बाहर चलता हूँ अभी हम दोनों भाई। आपको एक सीक्रेट बात बताओ, धूप बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का कमी नहीं है। लाइन में लगे हुए, हम सब भी लाइन में जाएंगे। ये देखिए प्रसाद है आप सबके लिए भी है, और अब अंदर जाएंगे भगवान के दर्शन करेंगे। आप बस देखिए और भगवान के दर्शन आप भी लीजिए। चलिए तो किस तरह से लेके आए हैं आप? पैदल गए थे? हम पैदल गए और पैदल आए हैं। कितने दिन लगे हैं? कर लिया। धूप भी बहुत है, थोड़ा सा पसीना भी आ गया, लेकिन जो अंदर उत्साह का माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा था। आप भी वीडियो में देख सकते हो कितना अच्छा माहौल था और कितने सारे श्रद्धालु और कांवड़ यात्री आए थे। और सोमवार का दिन है तो आज तो भोले जी का ही दिन है, तो बहुत सारा भीड़ था।
और चलिए गाइज अब प्रैक्टिस का भी समय है तो जल्दी से रूम में जाते हैं और आपको तुरंत है ना मंदिर का एक्सपीरियंस बताते हैं और प्रैक्टिस भी जाना है, तो गाइज चलते हैं रूम में। आ नहीं सकते, बहुत ही गजब का मज़ा आया, आप सबको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा मंदिर था प्राचीन और बहुत ही गजब का फीलिंग था, मैं और मेरा आनंद भैया और मेरे कुछ दोस्त साथ में गए थे जैसे आप वीडियो में देखे थे। तो आनंद भैया थोड़ा सा बताएंगे कि मंदिर में कैसा है, क्योंकि हम सबका प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है तो हम सबको जल्दी से जाना है, तो एक छोटा सा है ना आपको बताएंगे आनंद भैया कैसा था। क्या आनंद भैया भाई, अल्टीमेट फीलिंग था, आपको पता है कि मंदिर में जाने के बाद जो फीलिंग आती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, तो वो महसूस करने का चीज़ है। और आप जब भी चंडीगढ़ आएँ तो एक बार ज़रूर उस मंदिर का मंदिर प्रांगण में जाएं, दर्शन करें बाबा का, तभी आपको उस फीलिंग के बारे में पता चलेगा। बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड और बहुत ही अच्छे श्रद्धालु जो पूरे इंडिया से और क्या बोलते हैं आसपास के नॉर्थन इंडिया से सबके सब आते हैं। सकेत्री पंचकूला हरियाणा में मंदिर है, आप ज़रूर आएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे कॉन्टेंट मिलने वाले। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।